हिंदू को बात करेगा हिंदू को वोट देंगे हम। हिंदू की बात कौन कर रहा है? हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट देंगे। जो हिंदू को बात करेगा हिंदू को, हम हिंदू को। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने, हम तो जो कमा रहे हैं हम वही खा रहे हैं। मोदी ने क्या किया हमारे लिए? मोदी ने काम क्या किया? अगर निष्पक्ष चुनाव लड़े तो कुछ बात भी हो तो लगे कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है। विपक्षियों को जेल में डाल रहा है, उनके अकाउंट सीज कर रहे हैं, ये गलत चीज है। आप निष्पक्ष लड़ो, बराबर से लड़ो, तब होना आता है। सांसद जी इलेक्शन के कहीं नहीं आता, वैसे नहीं आता कोई भी हो। आए अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए। देश के लिए क्या कर दिया मोदी जी ने? जो भी किया सब दुनिया देख रही है, देश के लिए कर रहे हैं मोदी। हम तो कहते हैं मोदी अगले बार भी मोदी आए। अच्छा हाँ जी, हम लोग इस वक्त रानीबाग की मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर हम जनता से उनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली वालों का दिल किस तरह है अब की बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 25 मई को ये लोग वोटिंग की तरफ बढ़ेंगे वोट डालने के लिए। तो हम जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं कि, और साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से हंसराज हंस सिटिंग MP हैं और उनका टिकट अभी कट चुका है, लेकिन BJP ने अपना उम्मीदवार अब की बार बनाया है योगेंद्र चंदोलिया को। साथ ही में उदित राज भी उनके साथ चुनावी मैदान में हैं, दोनों की टक्कर है आपस में। लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है अब की बार। अच्छा ये बताइए, सांसद को देखा है आपने? नहीं देखा। नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा? मैं खुद ही अभी बाहर आया हूँ। अभी बाहर आए हैं? वोट तो नहीं देते होंगे आप? नहीं। कितने साल के हैं? 12। 12 साल? हाँ जी। 12 साल के हैं? पढ़ाई कर लो बेटा। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए, अगर सांसद को दिखा है आपने यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं देखा। जानते हैं कौन है? पता नहीं। नहीं पता? नहीं पता। आपको पता है सांसद देखे हैं कभी? नहीं, कभी नहीं देखा जी। तो ये विकास वगैरह कुछ हुआ है पिछले 5 साल में? कुछ हुआ है या फिर ऐसे ही चल रहा है? सब ऐसे ही चल रहा है। नाम जानते हैं सांसद का? नहीं जी, नहीं जानते। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं, ये बताइए अंकल सांसद को देखा है आपने? नहीं, नहीं देखा। कुछ विकास वगैरह यहाँ पे हुआ है? नहीं हुआ। पहले से तो कम विकास हुए हैं, पहले तो होते थे, अब कम विकास हुए हैं। यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है वैसे। अच्छा। मेन पार्किंग की दिक्कत है। और हाँ, रानीबाग। क्या सोचते हैं आपकी बार दिल्ली में क्या होने वाला है? 7 सीट पर आपकी बार BJP भले ही है, लेकिन अब गठबंधन हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो क्या लग रहा है कि कितनी सीटें निकल पाएंगी BJP की? वैसे तो 400 पार बोल रहे हैं। हाँ। वैसे तो आनी चाहिए मोदी जी की। 400 पार होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने जो 400 पार होना चाहिए? 400 पार में जो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। हाँ। अपना बाकी और भी बहुत काम करे हैं राम मंदिर के अलावा, अच्छी चीजें काम करे बच्चे। अच्छा। अंकल जी आप भी जरा बात सुनिए, क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर? कहीं कराया कहीं नहीं कराया, ये काम यहाँ हुआ है कुछ विकास? हम तो इतने साल से इतना खास तो हुआ नहीं। मेन तो पार्किंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, और तो ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है। ऐसे चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। इतने साल क्या लग रहा है BJP अब की बार 400 पार कर पाएगी? कर भी सकती है। कर भी सकती है? क्या सोचते हैं आप, मोदी जी ने कैसा काम करा आपके लिए? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने, हम तो जो कमा रहे हैं हम खुद वही खा रहे हैं। मोदी ने क्या किया हमारे लिए? क्या लगता है आपकी बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? शायद बन भी जाए। अच्छा आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए या मोदी जी? तो होना चाहिए, हम तो चाहते हैं मोदी की वजह से और भी आए ताकि कुछ और बदलाव तो निकले। इंडिया गठबंधन में से कोई नया चेहरा है? कोई भी है। किसको देखते हैं आप, राहुल गांधी को देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी को तो नहीं देखते। ममता बनर्जी? नहीं। कौन है फिर ऐसा कैंडिडेट? ऐसा कोई है नहीं फिलहाल, दिखते तो मोदी जी है वैसे तो। हाँ। और तो कोई खास दिखता नहीं है बंदा। अच्छा, BJP में से ही कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं आप? योगी को भी देखना चाहेंगे। योगी को देखना चाहेंगे। और क्या। चलिए इधर देखिए, काफी तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या करते हैं आप अंकल जी? बैग रिपेयरिंग का काम। बैग रिपेयर करते हैं? हो जाता है रिपेयर एक बार? हो जाता है। ये बताइए सांसद को देखा है कभी यहाँ पे? नहीं देखा। जानते हैं कौन? नहीं जानते। मैं तो आज ही आया हूँ, मेरे पापा बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, उनको मालूम होगा, ये पुराने हैं भैया। कुछ विकास वगैरह यहाँ पे हुआ है? अच्छा ये बताइए मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या कर दिया? कुछ काम नहीं करते क्या? मोदी ने काम किया क्या? अगर निष्पक्ष चुनाव लड़े हैं तो कुछ बात भी हो तो लगे कि हाँ भाई बंदा कुछ कर रहा है। विपक्षियों को जेल में डाल रहा है, उनके अकाउंट सीज कर रहे हैं, ये गलत चीज है। आप निष्पक्ष लड़ो, बराबर से लड़ो, तब समझ में आता है। देखिए काम कहते हैं कि उन्होंने 370 हटाई, अच्छी बात है।
राम मंदिर बनाया, राम मंदिर दरअसल उन्होंने नहीं बनाया, राम मंदिर बनवाने में तो जो उनका चंदा आया उससे बना राम मंदिर, कोर्ट ने फैसला दिया, नाम हो गया मोदी जी का। तो जी हम तो इतना जानते हैं जो राम को लाए हैं वही हमें राम से मिलाएंगे और ऊपर ले जाएंगे हमें, ऐसी नौबत आ जाएगी देश की। जो इस टाइम महंगाई और जो परेशानियाँ चल रही है ना, लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, बस लोग मोदी मोदी करे जा रहे हैं। असल मायने में मोदी जी ने विकास किया है लेकिन अपने ही सांसदों का, अपने ही उनका बस, और कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, कुछ नहीं किया। क्या किया है मैं आपको बताऊं, एक उज्ज्वला योजना चली थी, बिल्कुल उज्ज्वला योजना के तहत ये बताया गया था सबको जो है गैस सिलेंडर वगैरह दिए गए, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि एक पेपर में खबर आई थी उस लेडीज को, जब जांच करी गई उस लेडीज का पता ढूंढा गया तो वहां पर जाकर पता लगा कि उस लेडीज को कुछ मिला ही नहीं उज्ज्वला योजना के नाम पर। उसका NBT में प्रॉपर फोटो आया मोदी जी के साथ, वो कह रहे हमारे घर में कुछ आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ से मेरी फोटो लेके छाप दी। अच्छा, तो ये कहानियाँ हो रही हैं, सिर्फ जुमलेबाज है वो और कुछ नहीं करते हैं। जुमलेबाजी जितनी मर्जी करवा लो, सही मायने में काम करना है तो कुछ एजुकेशन पे करो, कुछ शिक्षा पे करो। अभी बीच में उनका एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि एक देश में इंदौर या उधर साइड में कहीं पर एक वो झांसी रानी कुछ है, वो बनवाया रेलवे स्टेशन जो कि बहुत हाईटेक रेलवे स्टेशन है, और वहां पर जब जाकर पता किया गया तो पूरे देश में झांसी रानी नाम का कोई स्टेशन ही नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की कई जुमलेबाजी हुई हैं, कई चीज़ें हुई हैं। तो मतलब मोदी, हाँ मतलब मोदी जी ने जितने वादे करे हैं वो सब पे फीके नजर आ रहे हैं। हाँ, हवा में बातें हो रही हैं, हवा में बातें हो रही हैं। क्या लगता है फिर दिल्ली में क्या होने वाला है? 25 मोदी को छोड़िए। अच्छा, उनको बाहर निकालिए फिर देखिए, उनको पता लगेगा। जेल में है, जेल से थोड़ी ना सरकार चलती है। जेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, जेल से नहीं करती, तभी तो उनको जो है जमानत दी जाए, जमानत देने के बाद तब पता लगेगा। क्योंकि 10 साल से केजरीवाल जी दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने खुद ने पर्सनली देखा है, हॉस्पिटल्स की हालत सुधारी है, एजुकेशन पर काम किया है। पहले सरकारी स्कूल की इतनी बुरी कंडीशन थी जबकि केजरीवाल जी ने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह का जो काम दिखे लोगों को वो चीज़ की जाए। जब काम करने ही नहीं दोगे स्टेट में, ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली भी है, तो केजरीवाल जी भी जो है सरकार जरूर की है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र का पूरा वो रहता है उनके ऊपर, तो पूरी तरह से काम करने दबाव रहता है, काम नहीं करने दिया जाता। तो पूरा खुली छूट दे केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर, उनको अपना खुद का दर्जा दिया जाए, तब कुछ पता लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ दिया ही नहीं था, क्या बोल रहे हैं? किसने नहीं दिया आपको ये बताइए, कौन सी सरकार क्या दी है? मोदी जी ने क्या दिया आपको, कुछ विकास वगैरह हुआ या नहीं हुआ? तो मोदी जी ने यहाँ आए नहीं तो क्या विकास करेंगे? मोदी जी की सरकार आए नहीं तो क्या करेंगे विकास? सांसद को देखा है, बीजेपी के ही सांसद है हंसराज, सांसद नहीं आते हैं यहाँ, कोई भी सांसद यहाँ नहीं आते, बीजेपी के हो या इसका, दोनों में से किसी के नहीं आते। किसके पास इतना टाइम है कि आएंगे मार्केट में घूमने के लिए? आया तो घूमने के लिए, वोट के टाइम आया, सब हाथ जोड़ने आएंगे, वोट खत्म हो गए सब चले गए। ये बताइए वोट के टाइम पे अभी कोई आया? अभी तो नहीं आया, लेकिन आएंगे, आने वाले टाइम पे आएंगे, आएंगे। तो बिल्कुल, अभी तो बहुत टाइम बचा, टाइम बचे तो आएंगे। हाँ, कितने साल से लगा रही है? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से लगा रही है। अच्छा, क्या लगता है, कभी देखा है यहाँ पे सांसद को आते हुए? नहीं। मोदी जी को जानती है? जानते हैं जी। हाँ, कैसा काम कर रहे हैं वो आपके लिए? सही कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, क्या काम कर दिया है आपके लिए? सही है जी, सही है, ठीक है, सब अच्छे बोलते हैं, अच्छे ही है, और क्या। अच्छा, आपके लिए तो कुछ किया होगा, जैसे कुछ हुआ है आपके लिए, कुछ विकास वगैरह, बच्चे हो गए आपकी पढ़ाई वगैरह? या गाँव में घर बनवा दिया मोदी जी ने, बनवा दिया। हाँ जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहती हैं? सब ठीक है अंकल जी, क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर? सरकार के काम के लिए ठीक है सरकार। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया। सांसद को देखा है यहाँ पे कभी आता है? सांसद इलेक्शन के टाइम में आता, वैसे नहीं आता, कोई भी हो। किसी आए अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया। क्या विकास हुआ है फिर यहाँ पे 5 सालों में? सारे काम हो रहे हैं पहले जैसे। क्या क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, सारे काम हो रहे हैं, क्या बताएं। मोदी जी ने कैसा काम किया? बढ़िया करा है। बढ़िया काम बता दीजिए। हमारे लिए तो बढ़िया करा भाई, भाई की करा ना करा हमें नहीं पता। हर चीज के लिए, मतलब कोई भी काम देख लो, पहले बैंकों के धक्के खाने पड़ते हैं बैंकों के लिए, ठीक है, कोई छोटा सा काम, अब सारे काम हो रहे हैं, हैंड टू हैंड जाओ, हैंड टू हैंड काम हो रहे हैं बैंकों में, हर चीज़, हर जगह भी सारे काम हो रहे हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या ख्याल है काम को लेकर सरकार? सरकार का क्या ख्याल, ठीक ही है सब, ठीक है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए, देश के लिए। क्या कर दिया मोदी जी ने देश के? जो भी किया सब दुनिया देख रही है, देश के लिए कर रहे हैं मोदी। हम तो कहते हैं मोदी अगले बार भी मोदी आए। अच्छा। हाँ जी, इस बार
इस बार भी आए मोदी जी। क्या काम कर रहे हैं ऐसा मोदी जी ने जो बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी? और क्या कर रहे हैं? सब बढ़िया कर रहे हैं सबके लिए। काम तो बताइए एक आधा। हम क्या बताएं, हम सब दुनिया देख रहे हैं सब कुछ क्या कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे लेकिन मोदी जी आना चाहिए दोबारा। हाँ दोबारा आना। जनता पसंद करेगी मोदी जी को? करेगी, जरूर करेगी। लोग कह रहे हैं गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ हुआ, गरीब को राशन मिला, सब कुछ मिल ही रहा। क्या नहीं मिल रहा राशन? सबको मिल रहा। राम लोग कह रहे हैं राम का मंदिर बनवा दिया इसलिए मोदी जी आएंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोलने। सब कोई अपने अपनी मर्जी, सब कोई बोलता है, लेकिन देश के लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करते रहे। हाँ भगवान के तो खैर दुनिया है, भगवान करते रहो, सब कोई मानते रहे। अंकल जी आपका क्या ख्याल है? मोदी इज द बेस्ट, सबसे इंडिया के लिए, विदेश के लिए, सबके लिए। क्या काम कर दिया ऐसा मोदी ने? मोदी ने सबके लिए बहुत बढ़िया काम करा है। क्या क्या कर दिया जैसे? काम क्या करे, उन्होंने सबसे पहले कश्मीर में वो ठीक है, हाँ उसके बाद ये अपना निर्माण मंदिर बनवाया श्री राम, ठीक है। फिर उसके बाद एक काम और क्या करा था, उन तीन काम करे जो आप चंद्रयान पे, हाँ बस बाकी तो बढ़िया है, और उसमें गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है। मोदी सबसे बढ़िया, मोदी आएंगे आपकी बार, 100% आएंगे, 101%। आज सांसद को देखा है यहाँ पे, कुछ विकास वगैरह हुआ है यहाँ पे? तो विकास तो चलता ही रहता है, चाहे कोई भी मोदी आए चाहे कोई भी आए, विकास तो हर एक का मुद्दा है। हम विकास कर भी देंगे, जब भी कहेंगे ये नाली टूटी पड़ी यहाँ से नहीं हुई, उनके लिए मार्बल बिछवा दो, ठीक है। मोदी आएगा, 100% आएंगे, ठीक है। ये बताइए क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या लग रहा है, किसकी हवा है? जो हिंदू की बात करेगा हिंदू को वोट देंगे हम। जो हिंदू बात कौन कर रहा है? हम हिंदू है, हिंदू को वोट देंगे। जो हिंदू को बात करेगा हिंदू को वोट, हम हिंदू को। कहाँ इशारा है आपका? मोदी जी, हमारा मोदी है लक्ष्य। मोदी आएंगे आपकी बात? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्या काम कर रहा है ऐसा मोदी? बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कमा खा रहे हैं। अच्छा राम का मंदिर बनवा दिया इसलिए? राम का मंदिर बनवा दिया जी। और क्या काम करा है मोदी ने? विकास वगैरह कुछ हुआ है यहाँ पे? गांव में तो, यहाँ पे तो कुछ नहीं, गांव में जाके देखो विकास, गांव में पता लगता है ना, गांव में विकास। जाने के लिए रास्ता नहीं था हमारे लिए, बिजली नहीं था, और बहुत ऐसे सुविधा मिला है हम लोग का। अच्छा बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है, मतलब बहुत 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 अच्छा। क्या लग रहा है कि सरदार पे जाएंगे फिर वोट डालने? यही गाँव के विकास के। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार जी, बिहार में तो नीतीश बाबू हैं, कैसा काम कर रहे हैं? आप तो आ गए बीजेपी के साथ ही। हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा। बहुत अच्छा काम हुआ, हम लोग के जाने के लिए रास्ता नहीं था, इतना अच्छा रास्ता बन गया, बिजली मिल गया, पानी मिल गया, हर कुछ की सुविधा मिल गया, बहुत अच्छा। हाँ बहुत। देखिए हम लोग रानीबाग की मार्केट में मौजूद थे जहाँ पर जनता का दिल कहाँ है। हालांकि यहाँ पे सारे लोग मुझे मोदी मोदी वाले ही मिले, जो मोदी के नाम पर अब की बार वोट डालने जाएंगे, और जनता चाहती है कि अब की बार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही बने। हालांकि यहाँ पे समस्याएं भी इन लोगों ने बताई कि पार्किंग की समस्या है, रोड की समस्या है, भीड़ भड़ाका बहुत हो जाता है, मैनेजमेंट नहीं है, इस प्रकार की भी इन्होंने समस्या मुझे बताई हैं कि यहाँ पर थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है, लेकिन फिर भी हम मोदी को ही वोट देंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।